हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इमर्सन रोड, पानी गर्म करने वाली रोड के बारे में बताऊंगा। कभी कभी आपने देखा होगा इमर्सन रोड काम करना बंद कर देती है और हम सोचते हैं कि ये ख़राब हो गई है। हम इसमें, ये इमर्सन रोड है, हम इसका हैंडल ओपन करेंगे। देखो, हम इसको ओपन कर रहे हैं। इसको हम एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन करेंगे और ये ओपन हो गई है। एक्चुअली इसमें दो स्क्रू होते हैं, दूसरा स्क्रू इस कागज़ के नीचे है जो हम देख नहीं पाए, और ये इसका हैंडल टूट गया है स्क्रू की जगह से। इसमें अंदर तीन वायर होते हैं, दो वायर इमर्सन रोड के दोनों एंड पर कनेक्ट होते हैं और एक अर्थिंग के लिए होता है। अभी जो इस इमर्सन रोड में है, इसका वायर अंदर से जल गया है। ये देखो, ये जल गया है। ये तीसरा वायर बीच में सेंटर में अर्थिंग के लिए लगता है, और दो वायर एक इधर लगता है और एक इधर लगता है, जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है। अब हम इस रोड को चेक करेंगे कि रोड का जो अंदर एलिमेंट है वो ठीक है या खराब हो गया है। अब हम इसको बल्ब की सहायता से चेक कर रहे हैं। देखो, ये बल्ब जल रहा है, मतलब कि अंदर का एलिमेंट ठीक है और रोड ठीक है, सिर्फ इसका वायर जला हुआ है। अब हम इसका वायर कनेक्ट कर देंगे। वायर को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा हम इसको, जो वायर का ऊपर का कवर है उसको छीलेंगे और कनेक्ट कर देंगे। फिर हम इसको हैंडल को जैसे खोला था ऐसे ही स्क्रू की सहायता से दोबारा से इसमें स्क्रू टाइट कर देंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स, हम अपने घर पे ही अपनी इमर्सन रोड, पानी गर्म करने की रोड को भी ठीक कर सकते हैं। इसमें अगर अंदर से वायर जल गया है तो तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे। अगर इसका एलिमेंट खराब हो जाएगा तो ये पानी की रोड खराब हो जाती है, फिर हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।